टू पचर टॉक। जैसा कि आपको पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लासिक्स का एग्जाम 30 अप्रैल से होने वाला है। बच्चे काफ़ी दिनों से एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए फाइनली जो है खुशखबरी आ चुकी है, आपका एडमिट कार्ड फाइनली जारी हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गूगल क्रोम में लिखना पड़ेगा GNV, ठीक है। तो आप GNV क्लिक करोगे तो आपके देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से ये पहला पेज आएगा। यहाँ पे देखिए जो पहली वेबसाइट है यही जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है और किसी वेबसाइट पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपके पास खुल जाएगा। ये देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय का होम पेज है। ये देखिए पहला ही पेज आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जानकारी आपके सामने है। यहाँ पे देखिए प्लीज़ क्लिक हियर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, है ना। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके जो है डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड फॉर क्लास 6। अब यहाँ पे देखिए क्लिक हियर पे हम जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो है लोड हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है, तो काफ़ी आपके पास देखिए ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें से आपको जो है सिर्फ पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, है ना। इतने सारे ऑप्शन में से आपको जो है पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये लिखा क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, ओनली इस ऑप्शन पे ही आपको जो है क्लिक करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज लोड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये काम आपके लिए है, क्योंकि मेरे पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मेरे को एग्ज़ाम देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लॉगिन, अब आपको क्या पे यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ओके, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो अपना डेट ऑफ बर्थ जो है आसानी से यहाँ पे कर दोगे। इसके बाद इतना ही काम नहीं है, यहाँ पे देखिए लास्ट में एक होता है कैप्चा कोड भी आपको जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कोड यहाँ पे नीचे बॉक्स जो बना है इसमें लिखना है। ओके, इसके बाद लास्ट में आप क्या करोगे, लास्ट में आप जो है साइन इन पे क्लिक कर दोगे, आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये प्रोसेस रहने वाला है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का। इस बात का इंतजार था, फाइनली आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए आपका सेंटर कहाँ आया है, और बताइए मुझे कि आपका सेंटर कहाँ पे आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अब एग्ज़ाम की और अच्छे से तैयारी करोगे और मन लगा के पूरी शिद्दत के साथ आप तैयारी करोगे और जो है एग्ज़ाम को ज़रूर पास करोगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सैनिक स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय और अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ऐसे वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।